नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एके स्मार्ट स्वे। जैसे कि आपको पता है, अपन ने एक RRB JEE 2019 के PUS ईयर्स क्वेश्चन GA GS का डिस्कस कर रहे हैं। तीन सीरीज अपन ने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट सीरीज भी आज अपन डिस्कस करने वाले। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ। जिन्होंने RRB NTPC का फॉर्म फिलअप किया है, RRB ने कल ऑफिशियल अपनी साइट पे एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अपन अपना जो फॉर्म है उसमें ये देख सकते हैं कि बोर्ड ने अपन का फॉर्म एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, तो अपन जाके चेक कर सकते हैं। तो सभी फ्रेंड्स से मैं निवेदन करूंगा, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, वो अपना जाके फॉर्म चेक करें। और इसी को अपन ध्यान में रखते हुए 15 डेज का RRB NTPC के लिए क्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। RRB JEE है, उनके 2019 के GA GS के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, आज से 2 या 3 वीडियो पर डे आपको मिलेंगे। वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंस्को का वर्जन क्यों किया जाता है? तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, सल्फर निकालने के लिए एंस्को का वर्जन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो इसमें स्टूडसेट ऑप्शन नंबर सी, स्टूडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैस की संख्या कितनी है? तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, 6-6 प्रोटोकॉल की ग्रीन हाउस गैसों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके, कि रिफ्लेक्शन के बाद वो वापिस सभी एक एक कॉर्नर में जा सके, तो किस प्रकार का बनाया जाता है इसमें वक्रीय बनाया जाता है, वक्रीय आकृति का, कर्व्ड आकृति का बनाया जाता है। सिनेमा घरों की जो छतें होती है वो कर्व्ड आकृति की होती हैं, ताकि रिफ्लेक्शन प्रत्येक कॉर्नर में जाके ध्वनि की साउंड पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? क्या कहा जाता है उसमें, उसको ऊष्मा सेपी अभिक्रिया बोलते हैं अपन, उसको ऊष्मा सेपी, ऑप्शन नंबर ए इसमें अपन का राइट आंसर है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियत किया गया है? कौन से संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियत किया गया है? तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह है वन एक के समान आवर्त से संबंधित होते हैं? तो इनकी क्या होती है, आवर्त समान होता है, कौन से आवर्त में है ये, कौन से आवर्त में समान होता है? तो इसमें अपन का आंसर क्या रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन ने कैंसिल आउट कर दिया इस क्वेश्चन को RRB JEE ने, RRB बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़ों में नहीं पाया जाता है? कौन सा अंग जो मानव शरीर में जोड़ों में नहीं पाया जाता है? तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है डी, मुंह है, जोड़ों में नहीं पाया जाता है। गुर्दे, फेफड़े, आंख सभी जोड़ों में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, है ना, और मुंह है, जोड़े में नहीं पाया जाता है, अलग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है? किसकी उपस्थिति के कारण घर्षण का कारण बनती है? तो इसमें अपन का अनियमितताओं के कारण घर्षण का कारण बनती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी रिक्त स्थान की वजह से प्रवेश करता है? किसकी वजह से प्रवेश करता है, जड़ों के रेशों में पानी, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किस वजह से करता है? तो प्रसारण के कारण
ये जड़ों तक पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था, तो इसमें जॉन राइट, ऑप्शन नंबर डी, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, जॉन राइट काफ़ी अच्छे फील्डर थे, तो ऑप्शन नंबर डी जॉन राइट ऑप्शन रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ओम के चार प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। ओम के चार प्रतिरोध क्या किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था श्रेणीक्रम का, R1+R2+R3 इस टाइप में मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो इसमें कितने दे रखे हैं, चार प्रतिरोध दे रखे हैं, 1+1+1+1, तो इसमें अपन का आंसर क्या रहेगा, 4 ओम, 4 ओम इसमें आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें अपन का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एमएलई विलियन में फिना लेप्थिनिक का रंग कैसा होता है, फिना लेप्थिलीन का रंग कैसा होता है, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 2019 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। 2019 का क्रिकेट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी जैसे जितने भी पार्ट किए हैं उनमें एक दो क्वेश्चन आपको क्रिकेट के मिल रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में देखना आप एग्जाम के। तो हैदराबाद में किया गया था, हैदराबाद में फाइनल मैच हुआ था आईपीएल 2019 का, और विजेता कौन रही थी आईपीएल 2019 की, मुंबई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किसके साथ कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधारक 3 परियोजना के वित्त पोषण के लिए $346 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने किसके साथ कर्नाटक राज्य राजमार्ग को सुधारने के लिए $346 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन से बैंक के साथ, एशियाई विकास बैंक के साथ, ऑप्शन नंबर ए एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुब्धक तारा, लुब्धक जो तारा होता है ऑप्शन नंबर ए वो सबसे चमकीला होता है जो रात्रि में अपन को दिखाई देता है, लुब्धक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं एक अणु में ऑक्सीजन के, O2 होता है ना, 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के एक अणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आलू में होने वाले मोज़ेक रोग, वो क्या होते हैं, बीजोजनित रोग नहीं होते हैं, आलू में होने वाले मोज़ेक रोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत कार्य की दर और विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति, पावर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इनमें से किस चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार देखने को मिलेगा आपको, इनमें किस चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है मधुबनी, मधुबनी जो एक बिहार का एक विद्यालय है उसके नाम पे जिले का नाम रखा गया है बिहार में मधुबनी, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कि अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, किसकी जो अधिक मात्रा होती है उसके लिए हार्मफुल हो सकती है चॉकलेट हमारे लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है तब ये हार्मफुल होती है, निकल की अगर मात्रा अधिक हो जाए तो ये अपन की बॉडी के लिए हार्मफुल होती है चॉकलेट, काफ़ी ज़्यादा खाते हैं लोग चॉकलेट, तो इसमें क्या होता है निकल की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ये हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेतवा नदी के तट पर स्थित है, नदी पर स्थित है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन अणु में
एक होता है सबुन अणु में, एक क्या होता है सबुन अणु में, जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ होता है। ऑप्शन नंबर डी, जल स्नेही शीर्ष एवं एक जल विरागी पुच्छ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। इथेनॉल अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, इसमें अपन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें अपन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा वन्य अभयारण्य स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है शेरों के संरक्षण के लिए। गिर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो शेरों के लिए किया गया वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी के द्वारा। वेस्ट बंगाल में गिर वन्य जीव अभयारण्य भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं। एक खिलाड़ी आपको एक एथलीट जरूर पूछेंगे जिसका कौन से मतलब खेल से रिलेटिव हैं वो, तो इसमें क्या पूछा है अपन को, गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है फुटबॉल से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड इनको। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है थाइमस, जो एक ग्रंथि होती है, वो यौवन जवान रहते हैं ना अपन, यूथ यंग, जब तक अपन यंग रहते हैं तब तक ये एक्टिव रहती है, फिर ये निष्क्रिय हो जाती है, थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी, रेबीज बीमारी होती है ना, ऑप्शन नंबर बी रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए खसरा, विषाणु जनित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है, तो आयनीकरण और तनुकरण की घटना उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जल के तापमान में वृद्धि के कारण जल के वाष्पीकरण में भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है, गुरुत्व त्वरण को अपन जी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, स्मॉल जी से। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू के लिए पहला टीका है, किसके लिए पहला टीका है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू किसके लिए किया गया लॉन्च, नील जीवा के लिए, ब्लू टंग नील जीवा जीव या जीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, ऊर्जा या कैलोरी मान सबसे अधिक कौन सी गैस का होता है, हाइड्रोजन का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, कुषाण वंश से संबंधित थे, आंसर नंबर सी इसमें अपन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, साइंस का बड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? तो इसमें अपन का फली से अपन को कॉफ़ी की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहने वाला, अपन का फली से अपन को कॉफ़ी की प्राप्ति होती है। भारत में पुरुषों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा, 18 वर्ष। किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है? देखो खेल से संबंधित काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है? तो इसमें अपन का आंसर रहती है पोलो में। उसमें क्या अपन राइट हाथ से ही खेल सकते हैं, लेफ्ट हाथ से अपन लेफ्ट हैंड का अपन यूज़ नहीं कर सकते, राइट हैंड ही इसमें यूज़ करते हैं पोलो गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती हैं? किसका उपयोग करके अल्ट्रासोनिक तरंगे प्राप्त की जा सकती हैं? तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक होता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर रहने वाला है इसमें। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसमें अपन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न डी, श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा प्रक्षेपित होता है होती है, यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। तो इसमें अपन का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये अपन का आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। गन्ने में क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गन्ने में क्या पाया जाता है? सुक्रोज से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज गन्ने में पाया जाता है। इसमें आंसर अपन का ऑप्शन नंबर डी राइट रहने वाला है, ग्लूकोज। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को कमेंट के थ्रू जरूर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट आपका जो क्रेश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है आगे कंटिन्यू रख सकूं। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।